आप सभी को राधे राधे। तो आज है 11 सितंबर और आज है हमारी लाडली राधा रानी का प्राकट्य दिवस यानी कि राधा अष्टमी। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने और मेरे परिवार वालों ने कैसी राधा अष्टमी को सेलिब्रेट किया। तो अभी मैं अभिषेक की तैयारी कर रही हूँ। अभिषेक पंचामृत से किया जाता है और मैंने पंचामृत तैयार कर लिया है और मैं अभी राधा रानी और लड्डू गोपाल दोनों का स्नान करूँगी। अगर आपके घर में राधा रानी और लड्डू गोपाल दोनों हैं तो आपको दोनों का ही स्नान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लड्डू गोपाल अकेले बैठे हैं और राधा रानी का स्नान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। दोनों को साथ में बिठाकर साथ में स्नान करना पड़ेगा। अभिषेक तो हो गया है, हम सब ने मिलकर अभिषेक कर लिया है राधा रानी और लड्डू गोपाल का। तो अभी मैं इन्हें श्रृंगार करके दूंगी। राधा रानी ने कपड़े पहन लिए हैं, वो मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती, इसलिए अभी लड्डू गोपाल कपड़े पहन रहे हैं और थोड़ी देर में मैं इनका श्रृंगार करके दूंगी। जब तक श्रृंगार होता है तब तक मैं राधा रानी के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। हमारी लाडली राधा रानी जो है ना, वो बहुत करुणामयी है, बहुत दयालु है। वैसे तो राधा और कृष्ण में कुछ फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी राधा रानी कृष्ण से बहुत ज़्यादा दयालु है। कृष्णा तो हमारे चतुर है ना, उन्हें सब देखना पड़ता है कौन क्या कर रहा है, किसने कौन से कर्म किए हैं, लेकिन हमारी राधा रानी ये सब नहीं देखती। जो एक बार राधा रानी के कमल चरणों में आ जाता है, बस राधा रानी अपनी दया बरसाती है उस व्यक्ति पर। आपको एक बात बताऊं, कृष्ण जो बांसुरी बजाते थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी राधा रानी के लिए ही बजाते थे। जब वो ब्रज धाम से बाहर चले गए, यानी कि राधा रानी और सारी गोपियों को छोड़कर वो चले गए, उसके बाद उन्होंने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के लिए बजाते थे। और अगर वहाँ राधा रानी ही नहीं थी तो फिर किसके लिए बजाएंगी वो बांसुरी। आपको और एक बात बताती हूँ, सबको पता है कि राधा रानी का जो मंदिर है वो बरसाने में स्थित है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि राधा रानी का प्राकट्य बरसाना में ही हुआ है, लेकिन नहीं, राधा रानी का प्राकट्य रावल में हुआ है। जी हाँ, रावल में आज भी राधा रानी का मंदिर है और उस मंदिर में हमारी लाडली राधा रानी बाल अवस्था में स्थित है। मैं पिछली बार रावल गई थी, मुझे इतना अच्छा लगा और इतनी शांति की अनुभूति हुई कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर आप भी कभी वृंदावन जा रहे हैं और अगर आप कभी गोकुल जा रहे हैं, तो गोकुल के ही रास्ते पर रावल पड़ता है। थोड़ी अंदर जाना पड़ता है, लेकिन आसानी से हम वहाँ पहुँच सकते हैं। और एक बात बताऊँ, बरसाने में मंदिर में तो हम जाते ही हैं, पहाड़ तो हम चढ़ते ही हैं, वहाँ तो बहुत सी भीड़ होती है, लेकिन मंदिर से कुछ ही पास एक राधा बाग नाम की जगह है। वो भी जगह आप जाइए, बहुत अच्छा लगता है राधा बाग जाकर। वहाँ पर एक कुआँ है, उस कुएँ का पानी पीकर इतना अच्छा लगता है, इतना मीठा पानी उस कुएँ में है। आप एक बार जाकर देखना और उस कुएँ का पानी भी पीना। जैसे कि आपको पता है, हमारी राधा रानी बहुत दयालु है और हमारे
कृष्णा यानी कि हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, बड़े नटखट हैं। वैसे ही अगर जब भी आप वृंदावन जाते हो तो वहाँ के जो बंदर होते हैं बड़े चतुर और बड़े नटखट होते हैं, लेकिन जब भी आप बरसाना जाते हो वहाँ के बंदर बिल्कुल हमारी राधा रानी के जैसे स्वभाव के होते हैं। बड़े शांत होते हैं, ना किसी का पर्स छीनेंगे, ना किसी का मोबाइल छीनेंगे और ना ही चश्मा छीनेंगे। बड़े आराम से और प्यार से बैठे रहते हैं और हमें देखते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। देखा, कृष्ण के जो वानर सेना है वो कृष्ण जैसी है, नटखट, और राधा रानी की जो वानर सेना है वो राधा रानी जैसी है, शांत और सरल। तो मैंने अभी भोग लगा दिया है और अभी आरती हो रही है, और आरती के बाद हम लोग प्रणाम करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा जो है राधा रानी के सामने नृत्य करेंगे। तो बहुत सरल तरीके से हम लोगों ने राधा अष्टमी मनाई। हम घर में ही मनाते हैं क्योंकि बरसात की वजह से ना तो हम किसी मंदिर जा सकते ना कुछ, और अगर आपके घर में राधा रानी है तो आपको तो घर में राधा अष्टमी मनानी ही चाहिए। उसके बाद फिर जाओ मंदिर, जाओ कहीं पे भी जाओ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको थोड़ा सा भी लगे कि मुझ में वो पात्रता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के सामने लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए राधे राधे।